गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों, आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज का पाठ 5 उपसर्ग पढ़ेंगे। आप लोगों को शब्द रचना जब मैंने पढ़ाई तो शब्द रचना में मैंने आप लोगों को, ठीक है, इससे पहले वाला जो पाठ था हमारा शब्द रचना, ठीक है, तो उसमें जो है आप लोगों को तत्सम तद्भव और उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द मैंने बताया आपको, पर्यायवाची शब्द, दो शब्द। अब जो है उपसर्ग, शब्द रचना में उपसर्गों के द्वारा हम शब्द शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय के द्वारा हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं, समास के द्वारा हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले जो है उपसर्ग द्वारा जो है शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है, उपसर्ग होते क्या है वो हम देख लेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की डेफिनेशन है जो शब्दांश शब्दांश शब्दों के अंश, ठीक है, जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर, आरंभ यानी शुरू में, ठीक है बच्चों, जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ऐसे शब्दांश, ऐसे शब्दों के अंश जो किसी भी वाक्य के शुरू में जुड़ के, आरंभ यानी शुरुआत में जुड़ के उसके अर्थ में या तो परिवर्तन कर देंगे या क्या करेंगे, विशेषता लेंगे उसके अर्थ में, उनको हम कहेंगे उपसर्ग। अब देखेंगे उपसर्ग के भेद या उपसर्ग के प्रकार, उपसर्ग के भेद या प्रकार। हिंदी भाषा में जो है, हिंदी भाषा में उपसर्ग जो है चार प्रकार के होते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग यानी हिंदी भाषा के उपसर्ग। हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग लगभग एक समान होते हैं बेटा, ठीक है, हिंदी के उपसर्ग से जो शब्दांश हिंदी में आते हैं उनके द्वारा नए शब्दों का निर्माण होता है उनको कहते हैं उर्दू फारसी के। उर्दू फारसी के उपसर्ग उपसर्ग, ठीक है। तो इतना आप लोग समझिए उपसर्ग होता क्या है, इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि उपसर्ग क्या होगा, वह शब्दांश जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में या तो परिवर्तन कर देंगे या विशेषता ले आएंगे उनको तो हम कहेंगे उपसर्ग। अब है उपसर्ग के भेद, तो हिंदी भाषा में चार प्रकार के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत भाषा के उपसर्ग, हिंदी भाषा के उपसर्ग, उर्दू फारसी भाषा के उपसर्ग और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संस्कृत भाषा का उपसर्ग, सबसे पहले क्या है संस्कृत भाषा के उपसर्ग हम देखेंगे कौन कौन से हैं। संस्कृत भाषा में अनेक प्रकार के उपसर्ग हैं, इनमें से जैसे अति, पहला देखेंगे कुछ मैं आपको यहाँ पे इसके बता रही हूँ, अति, अति का अर्थ होगा अधिक, अति का अर्थ है अधिक, और इससे जो है मिलने वाले जैसे अतिशय, नए शब्द क्या बने अतिशय, अतिप्रिय, अतिप्रिय,
ठीक है। आप देखेंगे अधि, दूसरा देखिए अधि, इसका अर्थ होगा ऊपर या श्रेष्ठ, ऊपर या श्रेष्ठ, ऊपर या श्रेष्ठ, इससे संबंधित क्या अधिकार अधिपति। अधिकार अधिपति ठीक है। और देखेंगे अनु, अनु अनु का मतलब क्या हो गया, पीछे या क्रम, पीछे क्रम या समान। ठीक है, इससे पहले शब्द है अनुचर, अनुरूप, अनुशासन। अनुचर, अनुरूप, अनुशासन, ठीक है। अप, एक और शब्द देखेंगे अप, अप का अर्थ हो गया बुरा या हीन। इससे बनने वाले शब्द हैं अपमान, अपयश, अपकार। अपमान, अपयश, अपकार, ठीक है बेटा। ये जो सारे हैं ना, ये अधि, अनु, अप, ये क्या है, संस्कृत के शब्दांश हैं। संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं उनके अंश हैं, ठीक है। जैसे अधि का अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ, अनु का अर्थ है पीछे या क्रम, अप का अर्थ है बुरा या हीन, और इनसे बनने वाले शब्द क्या बने, अधि से बना अधिकार, अधिपति, अधिनायक, अनु से बना अनुचर, अनुरूप, अनुशासन, अप से बना अपमान, अपयश, अपकार, ठीक है। देखें आप किस तरीके से नए शब्दों का निर्माण हो रहा है उपसर्ग की सहायता से। एक और देखेंगे अभी, इसी तरीके से बेटा आपके पाठ्यपुस्तक में अनेकों अनेक ऐसे हैं उदाहरण हैं जिनको आप देखेंगे और अपनी कॉपी पे लिखेंगे, ठीक है। इसका अभी का मतलब होता है सामने, सामने या निकट, सामने या निकट। इससे देखिए जैसे अभिमान, ठीक है, अभिमान हो गया, अभिशाप, ठीक। ऐसे ही अनेकों उदाहरण आपके पाठ्यपुस्तक में हैं जिनको कि आपको अपनी नोटबुक पे लिखना है, ठीक है, अपनी बुक में देख लेंगे और ऐसे ही आप लोगों को वो अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अब हम देखेंगे हिंदी के, ये तो थे संस्कृत के, अब हम देखेंगे हिंदी के उपसर्ग और उनसे बनने वाले शब्द, हिंदी के उपसर्ग और उनसे बनने वाले शब्द हम देख लेंगे। जैसे अ, अ का अर्थ हो गया बेटा अभाव, निषेध, अभाव, निषेध,
अब देखिए इससे बनने वाले अ से बनने वाले तब देखे, ठीक है। अथा अजर अचल, अथा अजर अचल, ओके, अथा अजर अचल, ठीक। अब है अन, अन का क्या हो गया, जैसे अभाव निषेध, इसका भी बिल्कुल एक जैसे होगा, अभाव निषेध, ठीक है। जैसे अनपढ़, अनमेल, अध, अध, अध का हो गया आधा, जैसे अध पका, अध खिला, अध पका, अध खिला, ठीक है। क, क बने हुआ, जैसे कुपुत्र, कपूत, ठीक है। कु, कु मने की बुरा होता है, कुपुत्र, कुसंगत, कुसंगत, ठीक है। ऐसे ही अनेकों अनेक उदाहरण जो है हिंदी के भी हैं, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में है, जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो है पहले शब्दांश लिखने हैं, फिर उनका अर्थ लिखना है, और फिर उनसे बनने वाले शब्द लिखने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अ का अर्थ अभाव या निषेध, उससे बनने वाले शब्द क्या हैं, अथा, अजर, अचल, अन, अन का मतलब हो गया अभाव या निषेध, और इससे बनने वाले अनपढ़, अनमेल, अध, अध का मतलब हो गया आधा, इससे बनने वाले शब्द है अधपका, अधखिला, क, क का मतलब बुरा जैसे कपूत, कु, कु का मतलब होता है बुरा जैसे कुपुत्र, कुसंगत, ये हिंदी के थे, ठीक है बेटा। अब हम जो है देखेंगे उर्दू फारसी की, ये कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं आपको, बाकी आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में है, आप उसमें से देखते ही लेंगे, ठीक है। अब देखिए उर्दू फारसी के, उर्दू फारसी के, ठीक है। उर्दू फारसी के उपसर्ग जैसे अल, अल, अल का अर्थ क्या हुआ, निश्चित, अल का अर्थ हुआ निश्चित, तो अलबत्ता, अलगरज, अलबत्ता, अलगरज, ठीक है। कम, कम का मतलब थोड़ा या ही, थोड़ा या ही, ठीक है, थोड़ा या ही, तो ये कमजोर, कमाकुल, कम उम्र,
कमजोर, कमाकुल, ठीक है, खुश, श्रेष्ठ, अच्छा, श्रेष्ठ, अच्छा, तो क्या बनेंगे सब? कुछ दिन, खुश दिन, खुशबू, है ना? फिर है गैर, गैर का मतलब हो गया निषेध या नहीं, निषेध या नहीं, इससे बनने वाले शब्द हैं ना पसंद, ना लायक, ना समझ, ना पसंद, ना लायक, ना समझ, ठीक है बेटा, समझ गया? अब हम देख लेंगे अंग्रेजी, एक और देख लेंगे इसमें से, बद, बद यानी बुरा, बद, बद यानी बुरा, इससे बनने वाले शब्द देख लेंगे, बदनाम, बदमाश, बदबू, बदनाम, बदमाश, बदबू, ठीक है, ये उर्दू फारसी के थे, ये जो मैंने आपको लिखवाए हैं ये उर्दू फारसी के शब्दांश हैं, उर्दू फारसी के उपसर्ग जिनसे कि ये शब्द बने, जैसे अल, अल का अर्थ था निश्चित, और क्या शब्द बना? अलबत्ता, अलगरज, कम, कम का अर्थ होता है थोड़ा या ही, इससे क्या शब्द बना? कमजोर, कमातुल, फिर खुश, खुश का अर्थ था श्रेष्ठ या अच्छा, इससे क्या शब्द बना? खुश दिल, खुशबू, गैर, गैर का अर्थ था निषेध या नहीं, इससे क्या शब्द बना? नापसंद, ठीक है, जैसे गैर जिम्मेदार, गैर हमारा, ठीक है, इसके बाद है बद, ठीक है, यहां पे आएगा ना, जैसे यहां पे आएगा ना, ना यानी नहीं, ना पसंद, ना लायक, ना समझ, फिर है बद, बद का मतलब हो गया बुरा, बदनाम, बदमाश, बदबू, या आपने देखिए इसी तरीके से और उदाहरण जो है बेटा आपकी पाठ्य पुस्तक में है उनको देखेंगे और उन्हें देखेंगे, ठीक है। अब हम अंग्रेजी के देख लेंगे, अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी भाषा के लिए बहुत सारे शब्दांश ऐसे हैं जो उपसर्ग के रूप में जो है प्रयोग होते हैं, ठीक है। अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग, जैसे पहला है सर, सर, सर का अर्थ क्या हुआ? अधीन, नीचे, अधीन या नीचे, नया शब्द क्या बना? सब्जेक्ट, सब जज,
कमेटी सब कमेटी दूसरा है डिप्टी इसका अर्थ क्या हुआ सहायक इससे बनने वाले शब्द हैं डिप्टी डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर डिप्टी कमिश्नर ठीक है फिर है वाइस वाइस का अर्थ क्या हुआ उप शब्द देखेंगे वाइस प्रिंसिपल वाइस चांसलर वाइस चांसलर ठीक है चीफ चीफ यानी मुख्य ठीक है जैसे चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर ठीक है चीफ मिनिस्टर चीफ जज चीफ सेक्रेटरी ठीक है बच्चों तो ये हो गए आपके अंग्रेजी के ऐसे और भी हैं जो आपके पाठ्यपुस्तक में जो आपको लिखने हैं तो अब मैंने आपको बता दिया कि उपसर्ग किसे कहते हैं वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और उसके अर्थ में या तो परिवर्तन ला देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ले आते हैं उनका कहते हैं हम उपसर्ग फिर मैंने उपसर्ग बताया आपको चार प्रकार के संस्कृत भाषा के उपसर्ग हिंदी भाषा के उपसर्ग अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग और उर्दू फारसी के उपसर्ग उनके उदाहरण भी मैंने आप लोगों को दे दिए हैं ठीक है बेटा बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं थोड़ा थोड़ा मैंने आपको यहाँ पे करवाए हैं बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं आपके पाठ्यपुस्तक में हैं जो उदाहरण आपके पाठ्यपुस्तक में हैं उनको देख के आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे ठीक है इसी तरीके से जैसे मैंने इनको लिखाया है ठीक है बेटा इसी तरीके से आप लोग लिख लेंगे तब तक के लिए जो है इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अपना ध्यान रखिएगा धन्यवाद।